जिला कलेक्टर अजमेर अंशदीप गुरुवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम रजुल सिंह ने उनकी अगुवानी की। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने शहर में हो रहे विकास तथा विकास कार्यों पर प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के प्रमुखों से चर्चा की। बैठक के दौरान जिलाधीश ने शहर की यातायात पार्किंग तथा अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में डिप्टी मनीष चौधरी से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में इसमें और अधिक सुधार करने को कहा। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त गुरुदीप सिंह ने परिषद प्रशासन की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रयासों की जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि शहर में राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत आमजन को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण, जलदाय विभाग, महिला तथा बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों तथा प्रभारियों ने अपने अपने विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभाग के कार्यों की जानकारी दी। बैठक के पश्चात जिलाधीश आमजन की समस्याओं को सुनने तथा उनका शीघ्र ही निस्तारण का आश्वासन देकर अजमेर के लिए प्रस्थान कर गए।